हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं किलोइड के बारे में कि किलोइड क्या होती है और इसके कौन कौन से काज होते हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन बेहतर काम करती है। तो किलोइड क्या होता है? रेड स्कार आफ्टर एन इंजरी, यानी इंजरी के बाद जो है रेड स्कार हो जाते हैं, ये जो है किलोइड होता है। यानी इंजरी के बाद वहाँ की, जहाँ पर इंजरी हुई रहती है वहाँ की स्किन ठीक हो जाती है, हार्ड हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। तो इस ये किलोइड होती है। तो जैसे कहीं पे इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो हीलिंग के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं और वो हील कर देते हैं उस इंजर्ड टिश्यू को। लेकिन किसी किसी के केस में क्या होता है कि वो जो स्कार टिश्यू होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ग्रोथ हो जाती है, स्कार टिश्यू या फाइबर टिश्यू की ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाती है और वही जो है स्मूथ और हो जाते हैं और हार्ड हो जाती है वहाँ की एरिया और रेज हो जाती है, यानी थोड़ा से उठी हुई हो जाती है और जगह से। तो यही किलोइड होता है। तो किलोइड मोस्टली चेस्ट पे डेवलप होते हैं, शोल्जर रीजन पे डेवलप होते हैं यानी कंधे के आसपास डेवलप होते हैं और चीक्स पे डेवलप होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से काज होते हैं। तो नंबर एक जो है ये हेरिडिटरी होता है, यानी किसी की फैमिली हिस्ट्री में किलोइड की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसके उसके केस में किलोइड बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या एक्नी स्कार, किसी को एक्नी हुई थी उसको निशान पड़ गए हैं तो उसके केस में भी जो है किलोइड डेवलप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली ये कहीं पे इंजरी हो गई तो इंजरी, चाहे वो बर्न इंजरी है या और भी कैसे भी इंजरी है, या तो जो है सर्जिकल इंजरी हो सर्जिकल इंजरी के जगह पे भी जो है किलोइड डेवलप हो जाते हैं। और इंजेक्शन से भी, जैसे मान लो किसी को वैक्सीन लगा तो उसके जगह पे वैक्सीन वाले जहाँ पे लगता है वहाँ पे जो है हार्ड स्मूथ रेड एरिया डेवलप हो जाता है जो कि किलोइड होता है। इस ईयर पेरसिंग के केस में भी किलोइड डेवलप हो जाते हैं, यानी कान छिताने के बाद वहाँ पे किलोइड डेवलप हो जाता है, यानी स्कार टिश्यू वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाने से वो एरिया ठीक और रेज हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। सिम्टम की बात करें तो इसमें ये फ्लेश कलर्ड एरिया होती है और जो है पिंक कलर की होती है। इसमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट एक्स्ट्रा होता है और किसी किसी केस में इचिंग होती है और ज़्यादातर केस में इचिंग नहीं होती है। देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें बेस्ट काम करती है। तो नंबर एक इसमें ग्रेफाइटिस मेडिसिन होती है, यानी अर्ली स्टेज का किलोइड अगर है तो उसके केस में जो है ग्रेफाइटिस मेडिसिन 200 पावर में हफ्ते में 2 बार दिया जाए। कुछ दिन ले लेने से ये किलोइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है साइलिसिया में अगर जो है पेन होता है, यानी किलोइड टच करने पे अगर पेन हो रहा है तो वहाँ पे साइलिसिया बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये मेडिसिन साइलिसिया 200 पावर में हफ्ते में कम से कम एक बार लिया जाए, 3-4 हफ्ते ले लेने से अगर इस तरीके का किलोइड है तो धीरे धीरे करके किलोइड सही हो जाता है। इसमें अगली मेडिसिन होती है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड में क्या होता है कि अगर किलोइड में इचिंग हो रही है तो फ्लोरिक एसिड बेस्ट काम करती है। ये मेडिसिन 200 पावर में हफ्ते में कम से कम 2 बार लिया जाए, इसको हफ्ते में 2 बार लिया ले जाए, थोड़ा दिन ले लेने से फिर ये किलोइड की प्रॉब्लम इसमें सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में अगर किलोइड बर्न के बाद डेवलप हुआ है तो कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इस मेडिसिन को हफ्ते में एक बार लिया जाए तो 3-4 हफ्ते ले लेने से किलोइड की प्रॉब्लम, अगर बर्न से किलोइड डेवलप हुआ है तो ये सही हो जाता है। इसमें अगली मेडिसिन होती है थूजा। थूजा में जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद, यानी कोई इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर किलोइड डेवलप हो गए हैं तो वैसे वहाँ उस केस में जो है थूजा मेडिसिन बेस्ट काम करती है। ये हफ्ते में एक बार लेना है, 200 पावर में हफ्ते में एक बार लेना है, 4-5 हफ्ते ले लेने से ये किलोइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
इसमें अगली मेडिसिन होती है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर 6x में जो भी डायलूशन की मेडिसिन बताई गई है सिम्टम के हिसाब से, वो एक मेडिसिन और साथ में ये कैल्केरिया फ्लोर 6x, ये चार चार गोली दिन भर में 3 बार देने से, कुछ दिन ले लेने से कीलॉयड की प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो दोस्तों मैंने ये कीलॉयड के बारे में कुछ जानकारी बताई। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।